सच्चे दरबार की जय। जयकार मेरी गुरु अंजलि भाई दा बोल सच्चे दरबार की। भैया राजी है ना तू? खुश है ना भाई? तेरी कबूतरी को गद्दी मिल गई है। और कोई काम माई मेरे लिए कोई सेवा तू बता दे। मां तेरी बोड़ी डाली बच्ची। मैं चाहती हूं ये बच्ची कामाख्या माई का मंदिर बनाए। है मम्मी? मम्मी फिर मेरे को भी बोलना, मैं भी तो तेरी बच्ची एक पिंडी में ऐसे रख दूंगी तेरी। उद्घाटन तो तू ही करेगी बच्ची। ठीक है मम्मी, पहले इसी का बनेगा। बड़ा वाला भाई वचन करके जा इस बच्ची के, जल्दी जल्द बहुत बड़ा मंदिर बने माँ कामाख्या महारानी का, जिसमें सारी बाहन रूपी तुम शक्तियां विराजमान करो। जहाँ सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ कामाख्या का ही कहलाता है, उसी से दुनिया उत्पन्न हुई है। तो महारानी ये वचन कर बहुत बड़ा बने और मैं जाऊं वेलकम कर रही। ये तो तुझे अपने जगराते पे बुलाना चाहती है बेटा। माँ ये बुलाए तू बुलाए, मेरा तो दौड़ ही आऊंगी। करवा दे माई फिर डेट निकलवा दे जगराते पे मामी। माँ ये तो चाहती है अष्टमी में करे। अष्टमी अब कब की है? अप्रैल की। अच्छा अप्रैल में अष्टमी करवा दे माई। माँ ये कही ये छठे तेरे जाग वो नवरात्रों में। हाँ फिर माँ तेरे 9 दिन यहाँ भंडारे लगते हैं, फिर कैसे करूंगी? मेरी मर्जी, जैसे जाएगी चली जाइयो। माँ ना ना ऐसे नहीं चक्कर में नहीं पाना माई। ऐसा दिन हो कि भी तेरे यहाँ की संगत भी दुखी ना हो, क्यों बड़ी आस से लेके आते हैं, और वहां का भी काम हो जाए। ऐसे कर ले माई फिर मंगलवार अष्टमी नौमी का कर ले जागरण। अष्टमी की मैं सुबह कढ़ाई करके टिकट पकड़ लू, वो प्लेन पकड़ लू। 20 अप्रैल की है नौमी। हाँ ऐसे हो सकता है मम्मी, नौमी का करवा दे जो बोले, क्योंकि अगले दिन त्योहार भी होगा ना, फिर दोनों काम हो जाए। बाकी महारानी तेरी रजा में रजा, जैसे तू चाहेगी वैसे होना वही है। बस साचे दरबार की जय हो, कमैया की जय हो, बोल कामाख्या माई की जय हो, बोल उसके भक्तों की जय हो। जय हो। ले मैया तो कर गई है बच्चा। अच्छा कामाख्या माई का मंदिर बनवा रही है।